तू भी गोल मैं भी गोल सारी दुनिया गोल मटोल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी को जय श्री राधे। और अभी है हो रही है शाम और आज का ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। और ये अभी ऑफिस से आए हैं सिंघाड़े लेके, तो मैं बस वही सिंघाड़े खा रही थी और हर्षी को खिला रही थी। और भैयू की शैतानियां तो ख़त्म ही नहीं होती हैं, तो बस वो अपनी मस्ती में लगा हुआ है। और फिर ये बोले कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने आज बनाई थी दलिया की वेजिटेबल खिचड़ी हर्षू के लिए। तो थोड़े सा बनाओ और दलिया ज़्यादा हो जाता है, मुझे अंदाज नहीं मिला तो काफ़ी ज़्यादा बन गई। तो मैंने कहा चलो दलिया बनाया है तो इनको दलिया दे देती हूँ खाने के लिए। और काफ़ी टेस्टी बना था, उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाया था मैंने और दाल वगैरह, तो बहुत टेस्टी बनाया था। तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, तो बस ये खाना खाने लगे। और ये पालक लेकर आए थे आज कि पालक पूड़ी बना देना, हर्षू भी पसंद करता है पालक पूड़ी खाना। और वही सब्जी वगैरह बनी थी तो मुझे मन नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला चलो सब्जी नहीं बनाते हैं आज, पालक पूड़ी बना लेते हैं। तो बस वही मैं पालक निकाल रही थी और वॉश करूँगी, बनाऊँगी पालक पूड़ी। और मुझे तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद आता है, हम दोनों ही ग्रीन वेजीज बहुत पसंद करते हैं। और हर्षू को भी खिलाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि वो भी सब कुछ खाए जो हम खाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो सारे विटामिन्स और मिनरल्स उसको भी मिलें। तो अभी तो खा लेता है थोड़ा थोड़ा सा, अब बड़ा होगा तो अब पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन हम पूरा ट्राई करेंगे कि उसको सब थोड़ा थोड़ा खिलाएं, क्योंकि बॉडी के लिए तो सभी कुछ सारे गुण चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे पालक वॉश कर ली है और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे और बॉईल करने के बाद पीसेंगे। और आशु गार्डन में है, चल के देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं गार्डन में। और शायद प्याज के पौधे लेकर आए हैं, वो तो वही लगा रहे हैं क्या, चलिए चल के देखते हैं। प्याज के पौधे, बैंगन, टमाटर, मिर्च तो पहले से लगी है, मिर्च अपने पहले से लगी है ना, इसलिए मिर्च लेके नहीं। ये कहाँ पे लगा दें? देख लो जहाँ जगह तो सही लगे। प्याज तो मुझे लग रहा है उधर की बजाय इधर लगा दें, क्योंकि आलू के बगल में लगाएंगे तो आलू में फिर पानी ज्यादा जाएगा। देखिए तो ये जो आपको दिख रही है ये गाजर है, ये धनिया जैसी दिख रही है पत्ती, लेकिन ये धनिया नहीं है, ये गाजर है। ये इतने में गाजर लगी है और ये लगे हैं चुकंदर जो आपको दिख रहा है इतना, ये चुकंदर है। यहाँ मूली लगी है, इनने पानी लगाया हुआ है। यहाँ ये है मूली, और ये है धनिया, और उसके साथ ही लगा है ये मेथी, इतने में मेथी लगी है। और ये पालक, पालक ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, पालक हम दूसरी जगह भी बोएंगे, क्योंकि ना जाने कहाँ से जब हम घर गए थे तो ना जाने कहाँ से गाय घुस आई थी, तो पूरे खेत में वो टहल के गई है, जहाँ जहाँ उसने पैर रखे हैं वहाँ की जो ये चीज़ें हैं वो उगी नहीं है। और मिर्ची तो हमारे यहाँ पहले से लगी थी और इतने में मिर्ची लगी है और बहुत तीखी मिर्ची है, तो हम लोग को मिर्ची खरीदनी नहीं पड़ती। हाँ, और ये लगे हैं आलू, क्यारी क्यारी में यहाँ से लगा हुआ, दो क्यारियों में आलू, ये देखिए आलू है ये, और ये खाली पड़ा है, इसमें हमने कुछ नहीं डाला, इसमें लगाएंगे प्याज। प्याज लगाने के लिए छोड़ दिया था, समझ में नहीं आ रहा कि प्याज इसमें लगाएं कि इसमें लगाएं, मुझे लग रहा पालक की जगह प्याज लगा दें और इधर कुछ और लगा दें।
देखना है, पलट पलट गर्दन ना मुड़ जाए। तो काफी कुछ यहाँ लगा हुआ है और ये लहसुन की पौध लेके आए हैं और बैगन है ना, और क्या है, लहसुन नहीं प्याज, सॉरी प्याज है और बैगन, टमाटर। टमाटर हमारे यहाँ छोटा वाला लगा है, बड़ा वाला टमाटर नहीं लगा था। अभी हो गई है शाम और ये अभी थोड़ी देर पहले ही लेकर आए हैं, तो ये बोले कि चलो लगा देता हूँ, नहीं तो फिर वो डिले हो जाता है तो फिर जल्दी हो नहीं पाता, फिर टाइम भी नहीं मिलता ठंड की वजह से। तो चलो लगा दो फिर। ऐसे तो वहां से कुत्ता घुस गया और ये आ जाते हैं भाई। ये तो हमने बहुत ही जकड़ के रखा है कि इसको बिल्कुल ठंड नहीं लगे। बिल्कुल मत हंसना, बिल्कुल मत हंसना। आज की शाम गुलाबी गुलाबी लग रही गुलाबी लग रही है, देखो चला। मिट्टी अभी हाथ में लपेट जा रही, क्या पूरी तरह से अभी एकदम गीला नहीं हुआ, इसके लिए पानी भरान टाइप चाहिए। सब अभी गिरी दिख रही है, सुबह सब खड़ी मिलेगी, होश में सब ताजी हो जाएगी। तो यहाँ करते हैं पालक पूड़ी बनाने की तैयारी। तो पालक को मैंने 2-3 बार पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, क्योंकि बाजार से जब लेके आते हैं तो कितनी भी साफ दिखे वो उसमें थोड़ा धूल मिट्टी रह जाती है। तो पालक को वॉश करने के बाद हम इसे इसमें थोड़ा सा 1/2 कप ऑफ वाटर डाल के बॉइल कर लेते हैं, और बॉइल करने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे फिर पीसेंगे। और इस पालक पूड़ी के साथ मैं बनाती हूँ मीठी चटनी, मतलब पालक पूड़ी और या मेथी के पूड़ी पराठे जो बनते हैं, मैं इसमें साथ टमाटर की मीठी चटनी बनाती हूँ मैं। और यहाँ पालक को ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जो पालक का जो थोड़ा सा पानी बचा है हम उसे फेंकेंगे नहीं, उसको आटा गूंथने में या और कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चटनी कैसे बनाती हूँ। तो ये सारे इन्ग्रीडियंट्स हम चटनी बनाने में यूज़ करेंगे, लहसुन, अदरक, खड़ी मिर्ची, गुड़ और ज़ीरा, काला नमक और हींग। तो कढ़ाई में डाल देते हैं थोड़ा सा तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे खड़ी लाल मिर्च, जीरा, राई और करी पत्ता, मैं भूल गई थी डालना, तो करी पत्ता भी डालते हैं, और कटी हुई मिर्ची, लहसुन और अदरक, और गुड़ का यूज़ हम बाद में करेंगे लास्ट में। तो इन सब चीज़ों को कढ़ाई में डाल देते हैं गर्म तेल में, इसको तड़कने देते हैं। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगी उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर तड़का अच्छे से भुन गया है, इसी बीच हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। और टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे हम स्वादानुसार नमक, आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। टमाटर के नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी, मतलब जितने टमाटर हो, जितनी चटनी बनानी हो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। और इसको ढाक के कुछ देर के लिए रख देते हैं, और इसी बीच पालक जो हमने वो उबाल के रखी हुई थी उसको पीस लेते हैं, वो ठंडी हो चुकी है। उसमें डालते हैं हम सौंफ, अदरक और लहसुन, और इनको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ढक्कन खोल के हम चेक करते हैं टमाटर को कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं कि नहीं। तो टमाटर काफ़ी हद तक गल गए हैं, और इसी बीच हम इसमें गुड़ डाल देते हैं और इसको थोड़ा देर के लिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी चटनी ऑलमोस्ट तैयार है, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के सर्व करेंगे।
और पूड़ी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है, आटे में थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन, और इसको हाथ में मल के डालेंगे जिससे कि स्वाद, उसकी खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाता है। और डालते थोड़ा सा नमक, और मोयन के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल या घी, जो भी आप डालना चाहें, तो मैंने ऑयल यूज़ किया है। और ये जो प्योरे है इसको भी मिक्स कर देते हैं, हम एक्स्ट्रा पानी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसमें ना ये प्योरे डाल के देखेंगे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम पानी यूज़ करेंगे, और अगर पानी यूज़ करना पड़ा तो वो भी वो पानी जो पालक से बचा हुआ था। फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि पालक पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लीजिए बढ़िया, हमारा आटा गूंथ के तैयार है, अब बढ़िया से हम बनाते हैं इसकी पूड़ियाँ। चटनी तो यहाँ तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये जितना अच्छा बना के खिलाती हूँ उतना अच्छे टपट का मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे खाना खिलाने के लिए बनाया जा रहा है कि बातें सुनाने के लिए। कटे मैं नहीं कट करूँगा। पालक पूड़ी पहले मैं सारी लोइयां बना के रख लेती, इससे इजी होता है जल्दी जल्दी पूड़ी बेलना, नहीं तो फिर हो नहीं पाता जल्दी जल्दी। या फिर सबसे अच्छा रहता है कि एक बेलता जाए वो एक से आता जाए तो जल्दी हो जाता है। तो सीधा सीधा ये कह देना कि पूड़ी निकाल देना, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रही? ऐसे नहीं है, मैं बता रही हूँ। इनके बताने का मतलब होता है कि लास्ट में फिर नहीं ये हो जाता है कि रोटी अकेले में बन जाती है, लेकिन पूड़ी जब जल्दी जल्दी बनानी हो ना तो फिर वो एक बनाता जाए एक सिराता जाए तो उसमें जल्दी हो जाता है। और एक खाता जाए नहीं, खाने के लिए वही होगी, लेकिन वही का देख रहा है मुझे, क्या देख रहा है मुझे? हाँ गुस्सी थी देख ले, मम्मा ले नहीं रही है गोदी। मम्मी की रोटी गोल गोल आगे? तू भी गोल मैं भी गोल सारी दुनिया गोल मटोल। पहली पूड़ी गौ माता की है, दूसरी पूड़ी हर्षु की है। वो खाने से पहले कर रहा है, यस उसने स्वाद ले लिया। उसको पसंद थी, एक बार मैंने और बनाई थी ना, उसने एक पूड़ी खा ली थी, उसको अच्छी लगी है ना हर्षु? लेकिन इस सीजन की पहली पालक पूड़ी बन रही हमारे यहाँ पे, और पालक पूड़ी के साथ ना मुझे मीठी चटनी अच्छी लगती है जो मैंने बनाई, और उसमें काली मिर्ची, काला नमक और नींबू, इस चीज की कमी थी क्योंकि काली मिर्ची जल्दी जल्दी मुझे याद नहीं रहा और काला नमक था नहीं घर में, और नींबू मैंने डाला नहीं क्योंकि हर्षु को खाना था तो सर्दी हो जाती, इस वजह से मैंने नींबू यूज नहीं किया। लेकिन चटनी आप जरूर बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है, जैसे मेथी की पूड़ी या पालक की पूड़ी के साथ मुझे बहुत पसंद है। अगर आप नहीं खाते हैं या अभी तक नहीं बना रहे थे तो एक बार ट्राई करिएगा, आपको जरूर अच्छी लगेगी, और बच्चों को तो खासकर अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है ये चटनी। हाँ। कई बार बोले बोले तो आज बनी, और एक समय वो नहीं मिलता मुझे बच्चे की वजह से, एक वो मूंगफली वाली जो बनाती। हाँ मूंगफली मिर्च की चटनी वो बनाऊंगी मैं, वैसे मूंगफली हमारे यहाँ बहुत सारी रखी हुई है, उनको पहले तोड़ूंगी उसके बाद चटनी बनेगी, मेहनत बहुत लगेगी उसमें। तो बन गई है हमारी पूड़ी, और ये हर्षु के लिए लेके गए हैं, चुम चुम के तो खा रहा था। हाँ ये है हमारी थाली रेडी, मीठी चटनी, पालक पूड़ी, और ये मिक्स अचार गाजर का, और ये लहसुन का अचार, ये भरवा मिर्ची। चलिए अब तो बहुत तेज भूख लग रही है बनाते बनाते, चलिए अब जल्दी से खा लेते हैं खाना, और इनसे पूछते हैं कि कैसा बना है। अच्छा बना है, पहले से बता रहा। खाते लो पहले, बिना खाए मैं बताता हूँ ना अच्छा बनता है। ये आ गया और खाने पूरी अच्छी पूरी अच्छी लगी। हाँ कह रहे हैं, दूर रखना अपने हाथ। खाने नहीं दिया वो ऐसे करता है।
वो आ गया मेरे पास, ये पीछे से देख रहा है। और आज लहसुन और भी जो पौधे लेके आए थे वो लग ही नहीं पाए। कल लगाऊंगा, सुबह से पानी भी आएगा। मच्छर भी काट रहे थे ज्यादा शाम के टाइम। तो पूरा श्रेय जाता है इतना अच्छा भोजन बनाने के लिए। थैंक यू। और हमें काफी टाइम हो गया, हम तेनाली रामा देखते हैं जो सीरियल आता है सोनी पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हर्षु भी देखता है ना अर्शु? हम लोग ने मतलब लगभग बहुत सारे एपिसोड देख डाले उसके। तो आप बताइएगा कि आप में से कौन कौन ने देखा है तेनाली रामा का एपिसोड। पहले दूरदर्शन में आया था वैसा पहले, और इसमें तो शायद 2019 में बना है ये। खाने पे ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ। आप सब लोग भी